अमित जोगी ने दुर्ग के पाटन सीट से नामांकन दाखिल कर दिया। पाटन हॉट सीट है और वहाँ से एक बार अमित जोगी ने नामांकन भर के और भी इस सीट को हॉट बना दिया। इस वक्त देखिए अमित जोगी दुर्ग कलेक्टर में नामांकन दाखिल करके बाहर आ रहे हैं। उनका फूलों से स्वागत किया जा रहा है। वहाँ पे तमाम तरह के उनके समर्थक यहाँ पे है और लगातार अमित जोगी की स्वागत किए जा रहे हैं। कई मीडिया उनका इंटरव्यू भी ले रहे हैं। हालांकि अमित जोगी ने एबीपी न्यूज़ से बात करते हुए बोला कि हमारी लड़ाई ना तो चाचा भतीजे से है बल्कि हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार से है। इन्होंने दुर्ग के पाटन विधानसभा से नामांकन भर दिया है और उनसे बात करेंगे। अभी वो अमित जोगी नामांकन भर के बाहर निकल रहे हैं और इन्होंने वीआईपी सीट या हॉट सीट पाटन से नामांकन दाखिल कर दिया है। हमारे साथ अमित जोगी है और अमित जोगी से बात करते हैं और बात करते हैं कि सर वीआईपी सीट पर ही आपने क्यों नामांकन दाखिल किया पाटन से हॉट सीट है। देखिए मेरी लड़ाई भूपेश के खिलाफ नहीं है, मेरी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है। ये जो पाटन में चुनाव होने वाला है, पिछले 23 साल में पहली बार पाटन में चुनाव होगा, नहीं तो अभी तक तो वहां जो पिक्चर चल रही थी चाचा भतीजे का प्यार, दोनों के बीच का सेटिंग परिवारवाद, इस बार हम जनता के अधिकार के लिए लड़ने वाले हैं। मैं तो केवल एक चेहरा हूं, पाटन वासी असली में इस चुनाव में प्रत्याशी हैं। ऐसे पाटनवासी जो भ्रष्टाचार से पीड़ित हैं, जो वादा खिलाफी से पीड़ित हैं, उनके लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूं। क्या मुद्दा रहेगा आप लोगों का, जो कि कांग्रेस का क्या मुद्दा रहेगा? हमारे मुद्दे तो बहुत साफ हैं। मैंने कोई घोषणा नहीं करी है, मैंने एक शपथ पत्र दिया है। 100 रुपये के स्टैम्प पेपर में मैंने दस्तखत करके शपथ पत्र दिया है कि मेरी सरकार बनेगी छत्तीसगढ़ में, नेता नहीं बेटे की सरकार बनेगी, तो मैं ये 10 कदम लूंगा और गरीबी को खत्म करूंगा। अमित जोगी जी जिन्होंने दुर्ग के पाटन हाई प्रोफाइल सीट से नामांकन दाखिल करे और अब भूपेश बघेल और विजय बघेल और जोगी कांग्रेस के बीच पाटन हाई प्रोफाइल सीट में मुकाबला होगा। दिलीप शर्मा, एबीपी न्यूज, दुर्ग, छत्तीसगढ़।